तो बच्चों आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, मतलब दोस्त और दुश्मन। तो दोस्तों कुछ चीज़ें आपने क्लास 7th में पढ़ी होंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो हम आज थोड़ा एक्स्ट्रा थोड़ा एडवांस पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और वो हमारे लाइफ को कैसे जो है इफ़ेक्ट डालते हैं और कैसी चीज़ें करते हैं वो, क्या वो हमारे दोस्त हैं दुश्मन हैं, ये सारी बातें हम जो है इसमें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं मैं कि आपके एग्ज़ाम में पूछेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म या माइक्रोब्स क्या होते हैं। तो दोस्तों जिनको हम जो है नॉर्मली ना देख पाए, नॉर्मली जिनको हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली ना देख पाए मतलब अपनी आँखों से ना देख पाए, उनको क्या बोलेंगे अपन, उनको अपन बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको हम देख ही नहीं सकते, उनको क्या बोलेंगे अपन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो समझ में आया माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं, जिनको हम ना देख पाए अपनी आँखों से उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ में आया, ठीक है। उसके बाद बात करें कि कुछ इसके एग्जाम्पल देखें, तो हमने देखा होगा बच्चों कि अगर कोई बारिश के टाइम अगर कोई ब्रेड होती है और वो सड़ जाती है, ठीक है, सड़ने के बाद उसके ऊपर जो है ना कुछ सफ़ेद सफ़ेद लग जाता है, जैसे फफूंद लगती है ना, फफूंद। तो अगर आप उसको अगर उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे, किसे देखोगे, मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो आपको बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, उनको क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो मतलब बहुत छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीवित हो, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपको एग्जाम पूछेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं, तो आप क्या लिखोगे कि जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उनको बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो और बात करें, अगर अपन जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और बात करें तो क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अगर कोई एक्टिविटी करो जिसमें आप एक पानी की ड्रॉप लो, क्या लो, पानी की ड्रॉप लो और उसको माइक्रोस्कोप में देखो, किस में देखो, माइक्रोस्कोप में, तो आपको बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म उसमें दिखेंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आप कोई सॉइल लो, सॉइल पार्टिकल लो, कोई मिट्टी का पार्टिकल लो, ठीक है, और उसको भी आप माइक्रोस्कोप में देखो तो आपको बहुत छोटे छोटे उसमें जीव दिखेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है। उसके बाद बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बेसिकली हमें ऐसे नहीं दिखते, हमें मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ता है, बिल्कुल मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब ऐसा ग्लास जिसमें बहुत पावर हो, जिसमें बहुत छोटी चीज़ भी हमें साफ साफ दिख जाए, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बच्चों, एग्जाम में पूछेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमको क्लासिफाइड करना है तो कितने तो कैसे क्लासिफाइड करें, तो 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करो या फिर डिवाइड करो, तो आप इन 4 में डिवाइड कर देना, ओके। अब बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा एक और चीज़ होती है वायरस। वायरस जो होता है वो भी बहुत छोटा होता है बच्चों, आप ऐसे देख नहीं सकते वायरस को, आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होता है। क्यों, क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि वायरस जो है ना, अगर आप इसको हवा में, अगर आप ऐसे हवा में इसको रखे रहोगे वायरस को, तो जीवित नहीं होगा, नॉन लिविंग कहलाएगा, नॉन लिविंग, सोचो कितनी अजीब बात है। लेकिन वही अगर किसी, आप किसी लड़के के अंदर डाल दो इसको, किसी जीव के अंदर डाल दो, तो ये लिविंग हो जाता है। तो वायरस ऐसी चीज़ है जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है तो वो जीवित हो जाता है। देखो इसमें लिखा है ना कि इसको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, होस्ट चाहिए, होस्ट मतलब कोई जीवित प्राणी चाहिए, वो तब उसके अंदर रहता है, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, ठीक है, विच में बी अ बैक्टीरियम प्लांट और एनिमल, मतलब किसी के अंदर भी रह सकता है ये, बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, किसी के अंदर रह सकता है। अब हम कुछ फोटो भी देखेंगे वायरस से, कुछ फोटोज भी अपन देखेंगे, ठीक है। और अगर बात करें कि क्या करता है ये वायरस, करता क्या है, तो देखिए यहाँ पे पूछेगा एग्जाम में, पक्का पूछेगा कि वायरस जो होता है वो क्या करता है। जैसे आपको सर्दी होती है ना बच्चों, कॉमन एलिमेंट जैसे सर्दी हो गई, कोल्ड हो गया, आपको इन्फ्लुएंजा हो गया जिसको फ्लू बोलते हैं, ठीक है, आपको सर्दी खांसी हो गई है, ये सब वायरस से होती है बच्चों। आप इसको ये मत सोचना कि बैक्टीरिया से होती है या फिर फंगस से होता है, नहीं, एग्जाम में पूछेगा कि आपको सर्दी खांसी किससे होती है, तो आप बोलना वायरस से होती है। और कुछ कुछ तो बहुत खतरनाक चीज़ें भी वायरस कर देता है, जैसे पोलियो बच्चों, पोलियो आपने देखा हो, कुछ बच्चे बेचारे होते हैं जिनके पैर टेढ़े होते हैं, उनको पोलियो हो जाता है, कुछ लोगों को चिकन पॉक्स हो जाता है, मतलब इस चेहरे पे आपने देखा होगा छोटे 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 दाने निकल आते हैं बच्चों, बुखार आ जाती है, तो वो सब किसकी वजह से होता है, वो सब वायरस की वजह से होता है। तो देखिए वायरस छोटी सी चीज़ भी करता है और बहुत गंदा भी करता है वायरस, समझ में आ रहा है, वायरस जो है छोटा भी कुछ करता है और बहुत बड़ा भी कर देता है वायरस, ठीक है।
उसके बाद बात करें कि अगर हम कुछ और बात करें इसमें, जैसे मान लीजिए कि कुछ डिसीज़ जैसे होती है, जैसे डिसेंट्री हो गया या फिर मलेरिया हो गया, ठीक है, तो ये जो है ये किससे होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ से होता है, जबकि ये टाइफाइड हो गया या फिर ट्यूबरक्लोसिस, टीबी बोलते हैं बच्चों, ये सब बीमारियों के नाम है। देखो डिसेंट्री क्या होता है, दस्त लग जाना, ठीक है, मलेरिया आप जानते हो बच्चों, मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, ठीक है, तो ये किससे हुआ, प्रोटोजोआन से हुआ। और जो टाइफाइड, बच्चों आपने सुना होगा टाइफाइड हो गया है, ठीक है, टाइफाइड हो गया है, बुखार उसकी ठीक रही, जॉइंटिस, टाइफाइड आपने सुना होगा, टाइफाइड जो होता है बच्चों, तो टाइफाइड में बहुत बुखार आती रहती है और वो ठीक नहीं होती है, ये भी बीमारी है। और टीबी बच्चों आपने देखा होगा, बच्चों कुछ लोगों को टीबी हो जाता है, तो ये सब जो है बैक्टीरिया से होता है। तो एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा आपसे बताओ, एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा कि बताओ बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ बताओ, तो आप बोलना कि टाइफाइड, आप क्या बोलोगे बच्चों बताओ, रुको मैं दिखाता हूँ आपको, आप बोलना कि बैक्टीरिया से जो है टाइफाइड होता है, टीबी होता है, और प्रोटोजोआ से जो है वो दस्त हो गया, मलेरिया हो गया, प्रोटोजोआ से होता है। तो आप ऐसे बोलना बच्चों उसको, ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ बच्चा जो है पढ़ के आया है, ठीक है। और अपन बात करें तो आपने थोड़ा थोड़ा बहुत आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में 6th और 7th में पढ़ा ही था। अब देखो बच्चों फ़ोटो देखो, आप देखो बैक्टीरिया, देखो ये देखो बैक्टीरिया दिख रहा है आपको, ये बैक्टीरिया की फ़ोटो है बच्चों, देखो कैसे माइक्रोस्कोप में दिखता है बैक्टीरिया, ठीक है। फिर आप एल्गी देखो, एल्गी मतलब आपने देखा होगा ना, एल्गी काई, जो काई बोलते हैं बच्चों, देखो क्लैमीडोमोनास, एग्जाम में पूछेगा बच्चों आपसे एल्गी का एग्जाम्पल दो, तो आप बोलना क्लैमीडोमोनास, आपसे बोलेगा कि और एग्जाम्पल दो, बोलना स्पायरोगायरा, देखो स्पायरल है ना ये, देखो कैसे कैसे ऐसे स्पायरल है ये, इसलिए इसको स्पायरोगायरा बोला, ठीक है। फिर बोलेगा प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल दो, तो आप बोलना अमीबा, आप बोलना पैरामीशियम, ये सब। देखो बच्चों हमने बोला ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने क्या देखा था बच्चों, एल्गी देखा, प्रोटोजोआ देखा, तो हम उसके एग्जाम्पल देख रहे हैं, आपसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। और देखो क्या है बच्चों, देखो आप हमने फंगस देखा, तो फंगी के क्या क्या है, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परगिलस, तो ये सब के एग्ज़ाम में फ़ोटो ही बनाने को बोलता है, किसी किसी स्कूल में बोलता है फ़ोटो बनाओ इनकी, तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और इन्हें इनके एग्जाम्पल हैं। और देखिए ये आपने देखा वायरस, देखो कैसे वायरस जैसे मकड़ी लग रही है, जैसे जैसे कोई मकड़ी नहीं चलती है, मकड़ी वैसा लग रहा है बच्चों, और आप इसको नंगी आंखों से देख नहीं सकते, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखना पड़ेगा वायरस। और अभी जो कोविड वायरस आया था, आपको पता है कोविड वायरस कौन लाया था, कोविड एक वायरस ही था बच्चों, सोचो कितना गंदा वायरस है ये ना, ठीक है। अब हम बात करें बच्चों, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, अब हम बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है, जैसे आप घर में रहते हो बच्चों, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, मतलब फंगस, एल्गी, आपका ये प्रोटोजोआ, ये सब कहाँ रहते हैं, हम इसकी बात करेंगे, एग्जाम में पूछेगा आपसे। तो बच्चों देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो सिंगल सेल का भी हो सकता है और मल्टी सेल भी हो सकता है, सिंगल सेल मल्टी सेल, आपको आई होप आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो जैसे सिंगल सेल वाले कौन से हो गए बच्चों, जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, और मल्टी सेल वाले कौन से हो गए बच्चों, मल्टी सेल से एल्गी और फंगस, ठीक है। तो एग्जाम में पूछेगा कि सिंगल सेल के एग्जाम्पल दो, मल्टी सेल के एग्जाम्पल दो, तो आप ये लिख देना, ठीक है। और बता दो बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत खतरनाक होते हैं, कभी कभी सोचो बर्फ वाले क्षेत्र में, आइस कोल्ड में भी रह सकते हैं और बहुत गर्म क्षेत्र में भी रह सकते हैं, ये डेजर्ट में भी रह सकते हैं, डेजर्ट समझते हो, रेगिस्तान, और ये बहुत ही दलदली प्लेसेस में भी रह सकते हैं, तो ये कहीं भी रह सकते हैं बच्चों, ऐसा मत सोचना कि इनको अच्छा घर चाहिए, ये कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी जीव के अंदर रह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये ह्यूमन की बॉडी में भी रह सकते हैं, एनिमल की बॉडी में भी रह सकते हैं, और प्लांट में भी रह सकते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होते हैं जिसको हवा में रहते हैं बच्चों, हवा में रहते हैं, उनको किसी बॉडी की ज़रूरत ही नहीं है, सॉरी। तो हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, फिर हम और बात तक करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे बीच में क्या रिश्ता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे बीच में क्या रिश्ता, हम ये देखते हैं। तो बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए अच्छे कैसे होते हैं, जैसे देखो कुछ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, और कुछ जो है ख़राब भी होते हैं, तो चलिए हम इसको देखते हैं।
तो पहले आप बात करेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे दोस्त हैं बच्चों, हमारे दोस्त हैं, आपके जैसे दोस्त होते हैं ना, आपकी हेल्प करते हैं, वैसे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमें पूछेगा कि बच्चों फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल दो, ठीक है, तो आप क्या बोलना कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि हमारे हमारी किसी चीज़ में हेल्प करते हैं, ठीक है, दे हेल्प अस इन समथिंग, ओके। और अब आपको एग्जाम्पल पूछेगा तो बोलना कि जैसे दही बनाना है तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, ब्रेड बनाना है, केक हम इन्हीं से बनाते हैं बच्चों, ठीक है। और बता दूँ आपको, देखो दारू, छी, अल्कोहल, दारू, जो दारू पीते हैं बच्चों गंदे होते हैं, तो जो अल्कोहल होता है बच्चों ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई चीज़, जैसे मतलब अंगूर हो गया, अंगूर को सड़ा सड़ा के अल्कोहल बनाते हैं। अब अंगूर को सड़ाते कैसे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालते हैं उसके अंदर तो वो सड़ता है, तो अल्कोहल भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनती है। फिर आपने देखा होगा बच्चों कुछ जैसे वेजिटेबल, जैसे मान लो कुछ कुछ पत्तियां हो गई वेजिटेबल की, कुछ जानवर हो गए, जैसे जानवरों की पट्टी हो गई, इंसानों की पट्टी हो गई, ठीक है, ये सब अगर पड़ी रहे बहुत दिन तक तो सड़ जाती है। सड़ने के बाद क्या होती है, वो जो है ना एक खाद में बन जाती है, मैन्योर, ठीक है, मैन्योर बन जाती है। तो बच्चों उसको तोड़ा किसने, उन सबको तोड़ा बैक्टीरिया ने, उन सबको तोड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। देखो कितनी हेल्प करती है हमारी, समझ में आ रहा है। और ऐसा करते करते जो है ना वो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, इससे खेत अच्छे से हो जाएंगे ना, तो फिर उसमें हम कुछ भी उगा सकते हैं और हमारा अच्छा उगेगा, हमारा फसल अच्छा होगा। हमने पढ़ा था ना पहले चैप्टर में, हमने पढ़ा था ना क्रॉप, उसके बारे में, तो सॉइल फर्टिलिटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ाते हैं। अब थोड़ा और, अगर और बच्चों सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ाते हैं पता है, वो कुछ तो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब जैसे मान लो एक कोई दाल का पेड़ है, दाल का पेड़ होता है ना बच्चों, दाल जैसे उड़द, मूंग, ये दाल होती है ना, तो इनकी जो जड़ें होती है बच्चों, यहाँ पे ना ऐसे नोड्यूल्स होते हैं, ऐसे 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 गुच्छे होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, उन नोड्यूल्स में जो है ना बच्चों, उन नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उन नोड्यूल्स में बैक्टीरिया होते हैं और वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और फिर इस्तेमाल होता है वो, तो हेल्प कर रहे हैं ना बच्चों ऐसे। और क्या बात करें, जैसे दही हो गया, ब्रेड हो गया, वो कैसे बनता है, तो हम जानते हैं दही कैसे बनता है, बैक्टीरिया से बनता है। इसलिए देखो ये बेचारी लड़की सोचती थी कि मेरी मम्मी को जब दही बनाना होता है तो वो कुछ गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देती है, तो अगले दिन दूध दही कैसे बन जाता है, बेचारी सोच रही थी। तो कैसे बना, गर्म दूध में थोड़ा ठंडा करके जब हमने उसको डाला कर्ड को, तो कर्ड में ऑलरेडी बैक्टीरिया थे, तो फिर बैक्टीरिया बहुत फैल गए और पूरा का पूरा कर्ड क्या बन गया, दही बन गया। समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें और एक्सप्लेन किया गया है कि कर्ड में जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया। बच्चों पूछेगा एग्जाम में कि कर्ड में जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या है, तो घबराना नहीं, मैं आपके साथ हूँ, लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया है बच्चों, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, गूगल करके देखना कैसा दिखता है, अजीब दिखता है बैक्टीरिया, ठीक है, यही दही जमाता है, कर्ड ही ये जमाता है, ठीक है। तो हम जो है बैक्टीरिया से दही जमा सकते हैं, हम चीज़ भी बनाते हैं, चीज़ भी इन्हीं सब चीज़ों से बनता है, हम अचार वगैरह भी बनाते हैं ना, तो उसमें भी हम ये सब डालते हैं। हम आपने देखा होगा बच्चों, आपने खूब इडली खाई होगी, आपने खूब डोसा खाया होगा, तो इडली आपको क्या लगता है कैसे बनती है, हम उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालते हैं, जैसे कर्ड, जैसे दही डाल दिया मान लीजिए, या फिर उसको कुछ दिन, एक दिन के लिए रख दिया, जो जो चावल होता है उसको पीस के अगर आप एक दिन के लिए रख दोगे तो फर्मेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्मेंट। फर्मेंटेशन कैसे हुआ उसमें, फर्मेंटेशन कैसे हुआ, वो हुआ बैक्टीरिया की वजह से ही। समझ में आ रहा है, तो देखो बैक्टीरिया कितने अच्छे पर दोस्त हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे आपने देखा होगा, आपने पेटीज खाई होगी, आपने बहुत सारे रोटी खाई होगी जो बहुत फ्लफी होती है, देखो कैसे फ्लफी होती है रोटियाँ, तो ये रोटियां फ्लफी कैसे हुई बच्चों, ये हुई है कि जैसे मैदा ले लिया, मैदा में हमने डाल दिया जैसे ईस्ट पाउडर, देखो ईस्ट पाउडर, ईस्ट भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, ये भी फर्मेंट करता है। पूछेगा कि मैदा को फर्मेंट करने के लिए क्या डालते हैं, तो बोलना ईस्ट डालते हैं, क्या डालते हैं, ईस्ट पाउडर डालते हैं। तो ईस्ट डाला अपन ने, और देखो थोड़ी देर बाद वो फूल गया, क्या हो गया, 2 घंटे बाद क्या हो गया, देखो वो फूल गया, तो ये सब चीज़ें फूल जाती हैं। तो ईस्ट जो है वो क्या करता है, देखो ईस्ट एक जानवर है, ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म है बेचारा, वो भी तो CO2, जैसे हम CO2 छोड़ते हैं वैसे वो भी CO2 छोड़ेगा, रेस्पिरेशन करेगा तो, ठीक है, जब CO2 छोड़ेगा तो हवा कहाँ जाएगी, हवा भर गई इसके अंदर, तो ईस्ट ने जो CO2 छोड़ा उससे क्या हो गया, हवा भर गई और पूरा फ्लफी हो गया। समझ में आ रहा है। तो बच्चों ये इस तरीके से ये हमारे दोस्त बन जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हम कभी कभी कमर्शियल यूज़ भी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। कमर्शियल यूज़ मतलब
कि हम जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ करते हैं लार्ज स्केल पे। जब कोई चीज़ लार्ज स्केल में बनाते हैं बच्चों, लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, वाइन हो गई, एसिटिक एसिड हो गया जिसको विनेगर बोलते हैं, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। ओके, और बात करें अगर कि जैसे और एग्जांपल की बात करें कि आपको और समझाना हो तब क्या करें बच्चों, तो फर्मेंटेशन। देखो एक वर्ड आता है फर्मेंटेशन, मतलब क्या होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए आपको जो है आपको अल्कोहल बनानी है, क्या बनानी है? अल्कोहल, दारू बनानी है आपको। तो आप क्या करोगे, आप उसमें जो है कुछ मिला दोगे, ईस्ट मिला दोगे, और ईस्ट क्या करेगा कि जो शुगर होता है शुगर, वो शुगर को क्या करेगा, तोड़ देगा, शुगर को तोड़ देगा और क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। तो इसी को बोलते हैं फर्मेंटेशन, मतलब ईस्ट ने क्या किया। तो बच्चों एग्जाम में पूछेंगे कि किसने फर्मेंटेशन जो है डिस्कवर किया था, लुईस पॉश्चर, इस आदमी ने, इस आदमी ने बच्चों, लुईस पॉश्चर ने जो है फर्मेंटेशन का 1857 में वो किया था, ईजाद किया था। ऐसा नहीं है कि पहले फर्मेंटेशन लोग खाना नहीं सड़ता था, लेकिन पहले भी सड़ता था, लेकिन नाम इसने दिया, इसने थोड़ा प्रॉपर जो है इसने उसको बताया। फिर बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज़ भी है, मेडिसिन मतलब बनाने में काम आता है। जैसे बच्चों आपने एक एक चीज़ सुनी होगी, एंटीबायोटिक आपने सुना होगा। तो एंटीबायोटिक बच्चों होता क्या, जैसे पहले पूछेगा एग्जांपल बताओ एंटीबायोटिक का, तो आप बोलना कि पेनिसिलिन, पेनिसिलिन यानी एंटीबायोटिक होती है, टैबलेट भी आती है और इंजेक्शन भी आता है इसका, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली क्या होता है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि जैसे मान लो अपने बॉडी के अंदर ये देखो क्या, दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये एंटीबायोटिक क्या होती है, ये क्या होती है एंटीबायोटिक, कि जैसे हमारे अंदर कोई मान लो कोई गंदा वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गया तो वो उसको स्टॉप कर देंगी, उसको उसकी ग्रोथ को नहीं बढ़ने देंगी एंटीबायोटिक। समझ में आ रहा है? तो एंटीबायोटिक तो ऐसी मेडिसिन जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दे या स्टॉप कर दे उसकी ग्रोथ को, जो कि हमें हमारे हमें बीमारी फैला रहा है, उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। एग्जाम में पूछेगा बच्चों कि एंटीबायोटिक किसको बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों एग्जाम में यही पूछेगा कि एंटीबायोटिक जो है ना कैसे बनती है, तो बोलना एंटीबायोटिक बैक्टीरिया और फंगस से बनती है। किसे बनती है? बैक्टीरिया और फंगस से बनती है। जैसे एग्जाम्पल पूछेगा तो बोलना मुझे पता है ना एग्जाम्पल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, ये आपने पक्का नाम सुने होंगे टैबलेट्स के, तो ये जो है ना एंटीबायोटिक है बच्चों। और एग्जाम में पूछेगा कि एंटी तो पहला जो है पेनिसिलिन किसने बनाया था, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किसने बनाया था, तो बोलना एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ना इसने जो है एंटीबायोटिक बनाया था, ये ज़रूर पूछेगा बच्चों, ठीक है। तो हमने देखा एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर वो हमारी बॉडी में घुस जाए और हम एंटीबायोटिक खा लें तो हम उनको रोक देते हैं, फिर उसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों तो जो कॉमन एंटीबायोटिक्स होती हैं वो किससे बनती हैं, फंगी या बैक्टीरिया से बनती हैं, पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। और हम फंगी या बैक्टीरिया को खूब वो कर कर करके एंटीबायोटिक बना लेते हैं। और बच्चों केवल इंसान ही एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करते, कुछ कुछ तो हम जानवरों में भी एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पोल्ट्री, जहाँ मुर्गी पालते हैं वहाँ भी एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत गंदगी होती है ना, तो बहुत बहुत बेचारे लोग बीमार पड़ जाती हैं, तो वहाँ हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। और कभी कभी तो हम प्लांट को बेचारे को बीमारी हो गई तो हम वहाँ भी एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी एंटीबायोटिक खुद से नहीं लेना चाहिए। आज हम लोग करते हैं ना, दुकान जाते हैं एंटीबायोटिक खरीद के ले आते हैं और खा लेते हैं, नहीं, हमें डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक लेना चाहिए। और एंटीबायोटिक का कोर्स होता है बच्चों, मतलब 3 दिन 5 दिन डॉक्टर बताएगा आपको, वैसे ही आपको एंटीबायोटिक खानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन खाई और फिर नहीं खाई, इस पता है क्या होगा, इससे क्या होगा कि एंटीबायोटिक अगर आप ऐसे आधी अधूरी खाओगे तो क्या होगा कि कुछ दिन बाद एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में काम करना बंद कर देंगी। समझ में आ रहा है? एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में काम करना बंद कर देंगी तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। और कभी बच्चों एंटीबायोटिक जो है ना वायरस के लिए नहीं होता है, जैसे आपको सर्दी खांसी हो गई तो उसमें आप एंटीबायोटिक मत खाया करो, क्यों, क्योंकि वायरस, सर्दी खांसी किससे हुई बच्चों, वायरस से हुई है, और वायरस में एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। एंटीबायोटिक जो है जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया, इन सब में एंटीबायोटिक काम करता है। समझ में आ रहा है बच्चों? ज़रूर ध्यान देना, आपके सर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो कोई भी माइक्रोब, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में जब घुसती है तो वो जो है ना
हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी जो है ना एंटीबॉडीज़ बनाती है। क्या बनाती हैं? एंटीबॉडीज़, ताकि जो अंदर घुसा है उससे लड़ाई कर सकें, ठीक है। और एक बार लड़ाई कर ली ना, एक बार एंटीबॉडीज़ बन गई, तो फिर जब वो चीज़ जब दोबारा हमारी बॉडी में घुसेगी, अगेन दोबारा हमारी बॉडी में घुसेगी, तो हमारी बॉडी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, तो फिर से उससे लड़ाई कर लेती हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ जो है बनाती रहती है, और हम जो है बचे रहते हैं। समझ में आ रहा है? और देखो बच्चों, जैसे क्या हो रहा है कि हम इसी चीज़ के लिए जो है ना वैक्सीन बनाते हैं। देखो वैक्सीन, तो वो बच्चों वैक्सीन कुछ नहीं होता है, जैसे जैसे कोविड का वैक्सीन आया ना, तो वैक्सीन के अंदर बेसिकली डेड डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, डेड कोविड वायरस ही होते हैं, ठीक है। अब डेड कोविड वायरस जब हमारी बॉडी में जाएंगे, तो हमारी बॉडी क्या बनाएगी बताओ? एंटीबॉडी बनाएगी। क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी। और एंटीबॉडी बनाई तो फिर हो गया, जब असली वाला वायरस, जब असली वाला कोविड हमारे ऊपर आएगा, तो हमारी बॉडी बच जाएगी। तो ये वैक्सीन इसी को बोलते हैं बच्चों, वैक्सीन कुछ अलग नहीं है, वैक्सीन यही है। समझ में आ रहा है? तो जैसे देखो, जैसे बच्चों बहुत सारी डिसीज़ होती हैं, जैसे कोलेरा हो गया, टीबी हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सब जो है ना वैक्सीन से ही हमें बचपन में खूब सारी वैक्सीन लगी है, आपको भी वैक्सीन लगी है, इसलिए आप बचे हुए हो। तो ये सब बीमारियों की वैक्सीन हमको बचपन में ही लग चुकी है। समझ में आ रहा है? और बच्चों, जो स्मॉल पॉक्स पहले बहुत गंदी चीज़ थी, गूगल में सर्च करना स्मॉल पॉक्स, उसको बचाया, उसको मतलब उसकी दवाई बनाई, उसकी वैक्सीन बनाई एडवर्ड जेनर ने, बहुत महान आदमी, भाई साहब, भाई साहब बहुत महान आदमी, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स का डिस्कवरी वैक्सीन का किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। आप इनका शुक्रगुजार करो। स्मॉल पॉक्स में बच्चों बहुत गंदी बीमारी थी वो, गूगल में सर्च करना। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमने देखा कि वैक्सीन भी बनती है, और वैक्सीन के अंदर हम जो है ना वैक्सीन से भी हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। अब बच्चों, आपने पोलियो प्रोग्राम सुना होगा, पोलियो प्रोग्राम, तो बच्चों आप जानते हैं वायरस से पोलियो होता था, बेचारे बच्चे टेढ़े मेढ़े पैर वैर हो जाते थे, हाथ टेढ़े हो जाते थे, तो इसलिए अब पूरी पूरी इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से पोलियो हट चुका है बच्चों, क्योंकि उसका वैक्सीन बन चुका है, और वैक्सीन सब सबने पिया है, आपने पिया, हमने भी पिया है। समझ में आ रहा है? तो वैक्सीन बनने से पोलियो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है पूरे वर्ल्ड से, ठीक है। तो पूछेगा एग्जाम में कि कौन सी बीमारी सब पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, तो बोलना पोलियो। समझ में आ रहा बच्चों? तो हमने देखा ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने अच्छे होते हैं, हमारा ब्रेड, दही और बहुत सारे कमर्शियल यूज़, ठीक है, और क्या क्या करते हैं वो सोचो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हम जो है वैक्सीन बनाते हैं, तो कितनी अच्छी चीज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ाती है। देखो मैं जो बता रहा हूँ ना, वो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या करता है, तो आपको ये सब लिखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये करता है, सब लिखना है। और एग्जाम में पूछा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल फर्टिलिटी कैसे बढ़ाता है, ठीक है, तो मैं आपको बस समझाता हूँ। देखो, बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये क्या करता है बच्चों, ये जो है ना, ये जो नाइट्रोजन गैस होती है ना, ये हवा से खींचता है, एटमॉस्फेयर मतलब हवा से नाइट्रोजन खींच लेता है और सॉइल में डाल देता है, ठीक है। अब सॉइल में डालने के बाद सॉइल मिट्टी में डाल देता है, और वहाँ क्या हो जाती है, नाइट्रोजन जब बढ़ जाती है तो फर्टिलिटी मिट्टी की बढ़ जाती है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ गई, तो एटमॉस्फेयर से खींचा और मिट्टी में डाल दिया, और इन्हीं को बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। किसको बोलते हैं? इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। क्यों? क्योंकि हवा से लेते हैं ये जो है हवा से लेते हैं, ये हवा से लेते हैं, क्या लेते हैं? नाइट्रोजन। क्या लेते हैं? हवा से लेते हैं नाइट्रोजन, और हम जमीन में पूरा फिक्स कर देते हैं। इनका नाम पूछेगा तो बोलना साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एग्जाम्पल है, ऐसा बोलना, साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। समझ में आ रहा है? तो ये होता है बच्चों। तो देखा हमने सॉइल फर्टिलिटी बढ़ा रहे हैं, फिर हम देखें अगर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। सोचो बच्चों, ये बेचारे इन्वायरमेंट भी क्लीन करते हैं कैसे बताओ? अब मान लो कोई पत्ता मर गया, कोई जानवर मर गया, किसी ने पॉटी कर दी और किसी ने कुछ भी कर दिया, ठीक है, तो कौन उसको डिकम्पोज कर
करेगा, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही डिकम्पोज करते हैं। लेकिन अगर आप पन्नी फेंकोगे, आप ग्लास फेंकोगे, तो ये सब डिकम्पोज बच्चों नहीं होता है। इसके लिए आप चाहो तो एक्टिविटी कर लो, एक आप जो है दो पॉट लो, एक में पत्ता डालो और ये खाना डालो, ये सब डालो, और दूसरे में प्लास्टिक डालो और कांच डालो। बच्चों आप देखोगे 3 से 4 हफ्ते बाद कि ए वाले का तो खाद बन गया, बी वाला नहीं बन पाया बच्चों। इसलिए पन्नी वन्नी ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, पन्नी बैन हो चुकी है, पन्नी वन्नी सब हटा दो। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल बना देते हैं। जो भी अपना खाना पीना है गंदा बंदा, वो सबको डिकम्पोज करके सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं, और हमारे एनवायरनमेंट को क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। कैसे? मान लो कोई जानवर मरा है, अब उसको डिकम्पोज कर दिया, वो मिट्टी मिल जाएगा, फिर मिट्टी में मिलने के बाद प्लांट उसको फिर से एब्जॉर्व कर लेंगे, तो क्या हुआ, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट क्लीन हो गया। समझ में आ रहा है? तो इन्वायरमेंट भी क्लीन करते हैं। तो बच्चों अभी तक तो हमने देखा कि कितनी अच्छी अच्छी बातें देखी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये करता है वो करता है, कि तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन बच्चों बता दूं मैं आपको, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म गंदे भी होते हैं, गंदे होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो हार्मफुल कैसे होते हैं बेचारे, वो बीमारी फैलाते हैं। बताओ यार, इंसानों में, पौधों में, जानवर बीमारी फैलाते हैं, कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने गंदे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंसानों में बीमारी फैलाएं, उनको बोलते हैं पैथोजन। क्या बोलते हैं? पैथोजन। तो पैथोजन जहाँ भी वर्ड आए, समझ जाना कि गंदे, छी गंदे। क्यों? क्योंकि ये बीमारी फैला रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या करते हैं, खाने को स्पॉइल कर देते हैं, सड़ा देते हैं, ठीक है, लेदर को सड़ा देते हैं, कपड़े को सड़ा देते हैं, और फिर बदबू आती है, और फिर हमें जो है बीमारी हो जाती है। तो हम देखेंगे बच्चों कि इंसानों के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से बीमारी फैलाते हैं। तो बच्चों देखो, आप जानते हो हम सांस लेते हैं, हम पानी पीते हैं, हम खाना खाते हैं, तो इन तीनों तरीकों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है। इवन एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं बच्चों, ये प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, क्या, ठीक है। तो हमारे बॉडी में कैसे घुसते हैं, एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कांटेक्ट, इन सब से हमारे बॉडी में जब घुसते हैं, जब कोई माइक्रोबियल हमें बीमारी हो जाए, हमें हमें कोई बीमारी हो जाए, कैसे हो जाए, किसी एक दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन से किसी एक हेल्दी पर्सन को, ठीक है, बात समझना। एग्जाम एग्जाम्पल पूछेगा कि कम्युनिकेबल डिसीज़ किसे कहते हैं, तो बोलना कि जब हमें कोई बीमारी हो जाए, ठीक है, ये बीमारी हो जाए किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, किसी हेल्दी पर्सन को जब बीमारी हो जाए, और वो कैसे फैले, एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैले, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। और इसका एग्जाम्पल देखो बच्चों, कॉलेरा, ठीक है, कॉमन कोल्ड, सर्दी, खांसी, चिकन पॉक्स, टीबी, ये सब बच्चों एग्जाम्पल है, पक्का एग्जाम में आएगा बच्चों, स्टार मार्क कर लो, आएगा एग्जाम में। और समझो भी, इंटरेस्ट लो बच्चों, देखो क्या है, अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्ट लोगे ना, तो आपको मज़ा आएगा। और इन सबको गूगल मारना, गूगल सर्च करना कि यार एक कॉलेरा कैसा दिखता है, यार एक टीबी कैसा दिखता है, तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसको सर्दी खांसी है, ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसे छींकता है वो, तो वो ड्रॉपलेट्स, सर्दी की ड्रॉपलेट्स जो हवा में हो जाती हैं, और आज जैसे ही आप उसके बगल से निकले, तो वायरस आपकी बॉडी में घुस जाता है। इसलिए बच्चों याद रखना, इसलिए बोलते हैं कि हमें हैंकी इस्तेमाल करनी चाहिए छींकने के पहले। हैंकी इस्तेमाल करोगे तो आपकी बीमारी किसी दूसरे को नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब बच्चों एक वर्ड है कैरियर। कैरियर मतलब क्या होता है बच्चों, कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे इंसेक्ट होते हैं, फिर ऐसे एनिमल होते हैं जो कि इन गंदे गंदे माइक्रोब्स को या पैथोजेंस को अपने ऊपर या अपने अंदर बसा के रखते हैं, अपने अंदर भर लेते हैं, और फिर उसके बाद ये हमारे खाने में बैठते हैं, जैसे मक्खी हो गई, मच्छर हो गए, हमें काट लेते हैं, तो वो उनकी बॉडी के अंदर से होते हुए हमारी बॉडी में घुस जाते हैं पैथोजेंस, और फिर हमारी बीमारी फैलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हाउस फ्लाई, मक्खी। अब मक्खी देखो बच्चों कहाँ कहाँ बैठती है, पट्टी में बैठती है, यहाँ वहाँ बैठती है, फिर आप खाने में बैठ जाएगी, तो गंदगी नहीं फैलेगी, फैलेगी ना वही। तो इस तरीके से ये सब जो कैरियर होते हैं, ये सब पैथोजन को, गंदे गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनको ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। और बता दूं मैं आपको कि इसलिए हमें खाने को क्या होना चाहिए, हमेशा ढक के रखना चाहिए, पानी को ढक के रखना चाहिए, पानी साफ़ सुथरा पीना चाहिए। देखो ये मच्छर जो होता है ना बच्चों, इसका नाम है मादा मच्छर, फीमेल, फीमेल मतलब मादा औरत, एनोफिलीस मॉस्किटो। बच्चों एग्जाम में पक्का पूछेगा कि डेंगू या फिर डेंगू या मलेरिया, मलेरिया पूछेगा कि मलेरिया जो है वो किससे होता है, तो बोलना कि एनोफिलीस मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। समझ में आ रहा है? मलेरिया जो फैलता है बच्चों, वो फैलता है इससे, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम जो है ना बच्चों, यही वो बैक्टीरिया है जिससे मलेरिया फैलता है। और इसको फैलाती कौन है? एडीज मॉस्किटो जो है ना,
फैलाती है। और एनोफेलिस कौन हुआ, एनोफेलिस से मलेरिया फैलता है। और एडीज, और अगर एक और मच्छर होता है जिसका नाम एडीज है, फीमेल मच्छर होता है एडीज, ये क्या करती है, ये डेंगू फैलाती है बच्चों, डेंगू वायरस फैलाती है। क्या फैलाती है, डेंगू वायरस। आपने सुना होगा ना किसी को डेंगू हो गया, तो उसको किसने काटा, उसको काटा है एनोफेल, उसको काटा है एडीज मच्छर ने। और अगर किसी को मलेरिया हुआ तो उसको किसने काटा है, एनोफेलिस मच्छर ने काटा है। ये आपको ध्यान देना है इस बात पर, ठीक है, समझ में आ रहा है। आई होप मेरी स्पीड बहुत तेज़ नहीं है। देखिए अगर आपको मेरी स्पीड बहुत तेज़ लगे ना, तो आप क्या करना कि आप इस वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना, स्लो करने के बाद सुनना, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, बात समझने की कोशिश करना। इसलिए जो है ना, अगर बहुत आपको फास्ट लगे तो आप इसको थोड़ा स्लो कर लेना और कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना, तो फिर मैं उसको आंसर दे दूंगा, ठीक है बच्चों। इसीलिए जो है ना, इसीलिए, और जानते हो सारे मच्छर जो है ना पानी में, गंद जो 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 साफ़ पानी होता है ना, वहाँ पर अपने अंडे देते हैं सारे मच्छर, ये एडीज और ये सब। इसीलिए बच्चों कहीं भी पानी को जो है हमें इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, टायर कूलर हमें हर वक्त इनको हर हफ्ते साफ़ करना चाहिए, समझ में आ रहा है, नहीं तो क्या होगा, हमें मलेरिया फैलेगा और क्या फैलेगा, डेंगू फैलेगा। बच्चों ये टेबल तो आपके एग्जाम में पक्का आएगी कि कुछ एग्जाम्पल, जो जैसे कुछ ह्यूमन डिसीज़ होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किससे किससे फैलता है बताओ, तो टीबी मलेरिया मीजल्स चिकन पॉक्स पोलियो किससे फैलता है, ये जैसे टीबी फैलता है बैक्टीरिया से, और ये सब फैलता है वायरस से, ठीक है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हो गए। और उसके बाद देखो इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब वो होता है कि किस चीज़ से फैलता है, ये एयर वाटर किससे फैलता है, तो ये दोनों एयर से फैलते हैं और ये एयर या इससे फैलता है, ठीक है। और हमें बचना कैसे है इससे, तो देखिए जिसको भी बीमारी हुई है उसको हमें अलग रखना चाहिए, ठीक है, उसके जो कपड़े उपड़े हैं वो हमें अलग रखना चाहिए दूसरे कपड़ों से, और हमें वैक्सीन इसका जो है समय पे या फिर सही एज में लगवा लेना चाहिए। तो ये सबके वैक्सीन लगते हैं बच्चों, आपको लगे होंगे, आपको पता नहीं होगा, ठीक है। फिर देखो क्या है, कॉलेरा है, टाइफाइड है, ये भी बीमारी होती है बच्चों, ये किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है, कैसे फैलती है, वाटर से फैलती है, फूड से फैलती है। तो हमें कैसे होना चाहिए, हमें जो है ना पट्टी करने के बाद हमें अच्छे से हाथ धोना चाहिए, हमें हमें पका हुआ खाना खाना चाहिए, हमें वह दूध पानी हमें जो है ना उबला हुआ पीना चाहिए, और हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए इन सब चीज़ों की, समझ में आ रहा है। फिर एक बीमारी होती है बच्चों हेपेटाइटिस ए, ये वायरस से होता है, पानी से फैलता है, तो हमें जो है ना उबला हुआ पानी पीना चाहिए, और हमें इसका वैक्सीन भी लगता है बच्चों हेपेटाइटिस का, हमें वो भी लगवा लेना चाहिए। फिर है मलेरिया, आप जानते हैं मलेरिया किससे फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है बच्चों, बैक्टीरिया वगैरह नहीं, प्रोटोजोआ से फैलता है मलेरिया, और मॉस्किटो से फैलता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है ना जैसे होता है ना मॉर्टिन आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है घर में, हमें कछुआ छाप जलाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, और जहाँ पानी भरा हुआ है, जहाँ पानी इकट्ठा है हमारे घर के आसपास, हमें उसको नहीं भरने देना चाहिए, हमें वहाँ उसको साफ़ कर देना चाहिए। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, एग्ज़ाम में पक्का आएगा, ये देखना एग्ज़ाम पक्का आएगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने देखा इंसानों के ऊपर क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बीमारी फैलाते हैं, अब हम देख रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एनिमल के ऊपर क्या क्या बीमारी फैलाते हैं, एनिमल्स के ऊपर, तो ये एनिमल्स के ऊपर ही फैलाते हैं और प्लांट्स के ऊपर बच्चों फैलाते हैं। तो एक देखो इंसान का नाम देखो, रॉबर्ट कोच, इसने पता है क्या किया था, इसने जो है ना एक बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रैकिस इसकी खोज की थी, और एंथ्रैक्स बीमारी जो जानवरों में होती है उसका हुआ था, बैसिलस एंथ्रैकिस, समझ में आ रहा है, बैसिलस एंथ्राकिस। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि बैसिलस एंथ्राकिस क्या होता है, तो अब इसको और अच्छे से जानेंगे कि बैसिलस एंथ्राकिस क्या होता है। तो दोस्तों अभी हम आगे देखते हैं, तो मैं आपको बता रहा था कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे हमने देखा कि अभी इंसानों में कैसे बीमारी फैलाते हैं वो, अब हम देखेंगे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में भी बीमारी फैलाते हैं, ठीक है। और एक बीमारी होती है बच्चों एंथ्रैक्स, बहुत गंदी बीमारी होती है एंथ्रैक्स, बेचारे जानवर में हो जाती है, और इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने, ठीक है, और ये बैक्टीरिया से होती है, बैसिलस एंथ्राकिस, बैसिलस एंथ्राकिस ये बैक्टीरिया का नाम है, बैसिलस एंथ्राकिस याद करो बच्चों, बैसिलस एंथ्राकिस, ठीक है। तो ये जो है ना, ये देखो क्या लिखा है कि बट ऑल्सो इन एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज, में दोनों में हो जाती है, ये इंसानों में भी और जानवरों में हो जाती है, और कैसे होती है, बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। और ये देखो क्या लिखा है, फूट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस, और एक और बीमारी होती है जानवरों में फूट एंड माउथ डिसीज, मुंह और फूट पैर और मुंह की डिसीज होती है, वो कैसी कैसी होती है, वायरस से। तो हमने देखा बच्चों कि एनिमल में जैसे एक बीमारी हो गई एंथ्रेक्स डिसीज, और दूसरी बीमारी क्या हो गई, फूट एंड माउथ डिसीज।
एंथ्रेक्स किससे हुआ था? बैक्टीरिया से। और फूड और माउथ किससे हुआ था? वायरस से हुआ था। बच्चों एग्जाम में पूछेगा कि भैया एनिमल में जो दो बीमारियां के नाम लिखो और किससे किससे होती है वो लिखी होती है, लिख देना क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई दिक्कत मुझे बताना कमेंट में बॉक्स में। फिर डिसीज कॉजिंग कॉजिंग माइक्रोन प्लांट। अब बच्चों प्लांट का देखते हैं, तो बच्चों प्लांट बहुत टाइप के होते हैं, बेचारे प्लांट भी बीमार पड़ जाते हैं। जैसे प्लांट कौन कौन, जैसे चावल, गेहूं, आलू, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, सब बीमार पड़ जाते हैं, सब खराब हो जाते हैं। और बच्चों अगर बीमार पड़ गए ना, ये खराब हो गए ना, तो क्या होता है पता है? आपकी पैदावार बहुत कम होगी, फिर खाएगा कौन? कौन बेचारे किसान क्या करेंगे? इसलिए बच्चों बीमारी इनको रोकने के लिए हम कुछ दवाइयाँ डालते हैं। क्या डालते हैं? दवाइयाँ, केमिकल्स डालते हैं ताकि जो माइक्रोब्स उनके अंदर गए हैं वो सब जो है ख़त्म हो जाए। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बच्चों, ये भी एग्जाम पूछ सकता है। सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, और हवा से फैलता है। देखो ये किसका पढ़ रहे हैं? प्लांट का, मतलब पौधों में बीमारियाँ हो रही हैं। देखो साइट्रस मतलब नींबू, नींबू, नींबू में भी बीमारी हो गई सोचो। फिर रस्ट ऑफ वीट, देखो वीट बेचारा, गेहूं, वीट, पैडी, पैडी, वीट सुना है आपने? वीट, पैडी, पैडी और वीट मतलब गेहूं, गेहूं में सोचो बीमारी पड़ गई, फंगस की वजह से बीमारी पड़ गई, वही हवा और सीड से फैलती है। ऐसे ही भिंडी, ओकरा, भिंडी बीमारी पड़ गई वायरस से और ये इंसेक्ट से फैलती है। तो देख रहे हैं आप कितने टाइप की। तो इन सब का एक इलाज है, दवाई डालो, बढ़िया दवा के दवाई डालो, साला सब मर जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों। फिर एक वर्ड आता है फूड पॉइजनिंग। तो ये देखो, ये जो भी छोटी सी लड़की है, इसका नाम बच्चों पहेली है। क्या इसका नाम? और आपके साथ हमेशा रहेगी पहेली, हमेशा आपके साथ रहेगी पहेली। सोचती है ये खाना खाने से पॉइजन कैसे बन गया, जहर कैसे बन गया खाना। फूड पॉइजनिंग मतलब खाना जो था आपका वो जहर बन गया और आपको अस्पताल पहुंचना पड़ा, ठीक है, हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो कैसे हो सकता है ये? तो क्या होता है बच्चों कि अगर हम सड़ा हुआ खाना, बेकार खाना, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बेकार वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे खाने को सड़ा देते हैं और वही जो है फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है। ठीक है, और क्या करते हैं बच्चों कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं ना, ग्रो करते हैं, मतलब फूड में कभी कभार ग्रो करते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लो आपका ये है चावल, क्या है? चावल। अब चावल में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, ठीक है, तो क्या करेगा वो? टॉक्सिक सब्सटेंस बनाएगा। क्या बनाएगा? टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीला सब्सटेंस बनाएगा। और जब जहरीला सब्सटेंस बन गया इसमें और आपने इसको खा लिया, तो आपको क्या हो गया? फूड पॉइजनिंग हो गई। समझ में आ रहा है? तो फूड पॉइजनिंग कुछ इस प्रकार से होती है। और फूड पॉइजनिंग बच्चों बहुत बीमारियां, बहुत गंदी गंदी बीमारियां, इवन कभी कभार डेथ भी हो जाती है। इसलिए कहीं बाहर का खाना नहीं खाने का, गंदा खाना नहीं खाने का, सड़ा खाना नहीं खाने का, कुछ भी खाओ तो पहले सूंघ लो उसको, ठीक है, तो आप बचे रहोगे। फिर बात करें बच्चों कि हमें खाने को प्रिजर्व कैसे करना है, बचाना कैसे है। देखिए हमने पहले चैप्टर पढ़ा था ना, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है पहले चैप्टर वाला, ठीक है, तो मैं आपको आई आई बटन जो ऊपर है ना, इसमें आपको लिंक दे दूंगा। तो आप पहला चैप्टर मेरा पढ़ देखना कि हम खाने को कैसे पैदा करते हैं, उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, उसकी रक्षा कैसे करते हो, जरूर देखना, ठीक है। तो हमने देखा तो वहाँ पे हम इस फूड को स्टोर करते हैं, ग्रेन इस पर स्टोर करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने मान लो घर में खाना बनाया, तो हमें जो है ना उसको जो है ढक के रखना चाहिए, हमें ऐसे खुले में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और अगर आप अगर अगर कोई गीला गीला कोई चीज़ होगा, अगर कोई मॉइस्चराइजर वाला कंडीशन होगा घर में, तो वहाँ फंगस लग जाएगा, फफूंद लग जाएगा, ठीक है, उससे जो है खाना ख़राब हो जाता है और खाने का ख़राब टेस्ट आएगा और जो है उसका कलर भी चेंज हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो कलर चेंज हो जाएगा तो आप समझ जाना कि भैया खाना ख़राब हो गया है, सूंघ लिया करो, ठीक है, टेस्ट करने से पहले। लेकिन बच्चों कभी कभार आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी मैंगो का अचार डालती हैं। क्या डालती हैं? अचार, आपकी दादी माँ अचार डालती हैं, लेकिन वो बहुत समय के लिए रखते हैं अपन उसको, तब भी ख़राब नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा हम पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों क्या होता है, अगर आपको कोई चीज़ बहुत दिन तक रखनी है, जैसे अचार रखना है, एक मिनट, जैसे मान लीजिए आपको रखना है अचार, आपको अचार रखना है, ठीक है, आपको जैम रखना है, क्या रखना है? आपको जैम रखना है, तो सब आप रख सकते हो, लेकिन आपको उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा, आपको उसको बचाना पड़ेगा। तो अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से तरीके से हम उनको बचा सकते हैं। तो जैसे मान लो पहला है केमिकल मेथड। बच्चों हम केमिकल मेथड से उसको बचा सकते हैं खाने को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सॉल्ट होता है, ठीक है, और फिर हम जो खाना खाते हैं ऑयल, ये केमिकल्स होते हैं। देखो बच्चों सॉल्ट को केमिकल क्यों बोला? क्योंकि ये क्या होता है सॉल्ट, बताओ? सोडियम क्लोराइड, NaCl, आप बाद में पढ़ोगे, ये फॉर्मूला होता है केमिकल, तो है सोडियम क्लोराइड। तो इसलिए
सॉल्ट होता है, ठीक है। अब सॉल्ट होता है और क्या होता है, एडिबल ऑयल्स। एडिबल मतलब ये भी जो है केमिकल की तरह इसको मानो, और ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये जो है बढ़ने से ग्रोथ होने से बचाता है, ये ग्रोथ नहीं होने देता। मतलब अचार में आपने नमक और डाल दिया ना तेल, तो ग्रोथ नहीं होगी, इसीलिए जो है इनको प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। एग्जाम पूछेगा कि व्हाट इज़ प्रिजर्वेटिव्स, तो प्रिजर्वेटिव वो सारी चीज़ें होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने से बचाती हैं, मतलब ग्रो नहीं होने देती हैं अपने खाने में, ठीक है। तो इसलिए हम पिकल्स अचार वगैरह में क्या डालते हैं, हम जो है सॉल्ट डालते हैं, ठीक है, या फिर कुछ और प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। और आपसे एग्जाम पूछेगा कि और बताओ एग्जाम्पल प्रिजर्वेटिव्स के, तो बोलना सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइट, ठीक है। सल्फाइट ये एग्जाम्पल है कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है, ठीक है। और ये जैम वगैरह, जैम आप खाते हो ना, बहुत मीठा मीठा लगता है जैम, स्क्वैसेस खाते हो, तो ये सब जो है ना खराब होने से बचाते हैं, तो प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। अब देखो जो कॉमन सॉल्ट किसको बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट मतलब वही सॉल्ट, ये बच्चों जैसे मांस हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, इनको बहुत लंबे समय तक रखना है, तो हम जो है कॉमन सॉल्ट में उनको लपेट के, ड्राई ड्राई कॉमन सॉल्ट में लपेट के हम जो है रख देते हैं, तो उससे बैक्टीरिया उसमें ग्रो नहीं हो पाते। क्यों पता है, क्योंकि कॉमन सॉल्ट क्या करता है बच्चों, जो एक्सेस पानी या मॉइस्चराइजर होता है ना, वो उसको सोख लेता है, इसलिए उसमें बैक्टीरिया नहीं पाता। जहाँ भी मॉइस्चर मॉइस्चर होगा वहाँ फंगस लग जाएगा, बैक्टीरिया लग जाएगा, प्रोटोजोअन लग जाएंगे, इसलिए सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं। सॉल्ट जो है ना, हम जैसे आंवला आंवला है, ठीक है, कच्चा आम है, ये टर्मरिंड है, हम इसको बचाने के लिए हम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, सॉल्ट। तो एग्जाम में पूछेगा कि कौन कौन से प्रिजर्वेटिव होता है, आप इसे लिखना। अब देखो सॉल्ट के अलावा हम शक्कर से भी हम खाने को सड़ने से बचा सकते हैं, शक्कर से सोचो, शक्कर से जैसे जैम जेली स्क्वासेस ये सब जो है ना शक्कर से बचाते हैं हम लोग, शक्कर से, ठीक है। और क्यों, क्योंकि ये जो है ना जो मॉइस्चर होता है अंदर उसको कम कर देती है शक्कर, ठीक है, और उसकी वजह से बैक्टीरिया जो है उस खाने को ख़राब नहीं कर पाते हैं, समझ में आ रहा है। ऐसे ही हम बचाते हैं विनेगर या ऑयल से बचाते हैं, जैसे मैंने बताया आपको पिकल हो गया, उसमें हम विनेगर डालते हैं, ऑयल डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, और कहाँ का डालते हैं, फ्रूट में, फिश में, मीट में, यहाँ ये भी डालते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाता है। जब बैक्टीरिया ग्रो नहीं होगा तो क्या होगा, आपका खाना बचा रहेगा। और क्या मेथड है बच्चों, हम जो है ना खाने को बहुत ज़्यादा गर्म कर दें, बहुत ज़्यादा ठंडा कर दें, तो उससे भी सोचो बच जाता है खाना ख़राब होने से। जैसे आपकी मम्मी, प्यारी मम्मी क्या करती हैं, दूध को उबालती हैं, उबालने से क्या हुआ बच्चों बताओ, उबालने से जो है वो जो है उसमें बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी थे वो मर गए, ठीक है, और आप उसको फ्रिज में रख दो तो भी जो है वो बच जाएगा। तो बच्चों एक एग्जाम्पल में पूछ एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज़ पॉस्चराइजेशन, व्हाट इज़ पॉस्चराइजेशन, तो पॉस्चराइजेशन किसको बोलते हैं, तो यहाँ थोड़ा पढ़ो, पॉस्चराइजेशन मतलब होता है कि पहले दूध को जो है ना 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 30 सेकंड के लिए हीट करो, और उसको जो है सडनली चिल्ड मार दो, ठंडा कर दो, और उसको स्टोर करके रख दो। तो इसी मेथड को क्या बोलते हैं, पॉस्चराइजेशन। तो इससे क्या होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो उसमें बन नहीं पाते हैं। और पॉस्चराइजेशन मेथड किसने दी थी एग्जाम पूछेगा, तो बोलना लुईस पॉस्चर ने, बहुत भयानक आदमी था भाई साहब, क्या अच्छा आदमी था, उसने पॉस्चराइजेशन मेथड बताई थी, और पॉस्चराइजेशन मेथड इसी को बोलते हैं। तो एग्ज़ाम में पक्का एग्ज़ाम में आने वाला है कि पॉस्चराइजेशन को क्या होता है, तो ये बता दोगे बच्चों, ठीक है। और अब बात करें कि ये सब तरीके तो हैं जिससे हम जो है खाने को बचा सकते हैं, साथ में हम जो है स्टोरेज या पैकिंग करके भी खाने को बचा सकते हैं। जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गया, इन सब को हम अगर एयर टाइट डब्बे में अगर हम रखें, ठीक है, तो इसमें माइक्रोब्स नहीं लगेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें थी। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस क्या होते हैं, किनसे कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, तो ये सब बच्चों हमने देखा। तो ये सब आप ध्यान से मेरा वीडियो बार बार देखना और बार बार सुनना, इससे अगर आप स्कूल नहीं गए हो, क्लास नहीं गए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बच्चों हमारा अगला टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो बच्चों अगर आप थक गए होगे ना, तो इसको पॉज कर देना और इसको बाद में भी देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखना ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों मेरा चैप्टर। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन थोड़ा बात करें, तो देखो बच्चों एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम, क्या बोलते हैं, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है, ठीक है। वो क्या करता है बच्चों, वो हवा से, एटमोसफियर से नाइट्रोजन लेता है, ठीक है, क्या करता है, लेता है, हवा से लेता है, और आपका जो सॉइल है, मिट्टी है, मिट्टी में जो है नाइट्रोजन को बढ़िया दबा के डाल देता है। और ये रहता कहाँ है बच्चों, राइजोबियम जो है रहता है
जड़ों में रहता है, जड़ों में जो जड़ होती है ना बच्चों, जड़ में ऐसे 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 वो होती हैं, ऐसे ऐसे नोड्यूल्स होते हैं। तो इन नोड्स में जो है राइजोबियम बैक्टीरिया अपना घर बनाता है, और ये नोड्स सब में नहीं मिलती हैं, ये दाल वाली जो चीज़ें होती हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स, दाल वाली चीज़ें, उन्हीं में जैसे बीन्स हो गया, पीज हो गया, उसी में आपको ऐसे 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 देखेंगे, उन्हीं के अंदर मिलता है ये। और देखो यहाँ बैक्टीरिया रह रहा है, यहाँ पे प्लांट है, तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? सिम्बायोटिक रिलेशन है। क्यों? क्योंकि प्लांट को क्या चाहिए बच्चों? नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, और इनको क्या चाहिए? इनको खाना चाहिए, इन राइजोबियम बैक्टीरिया को। तो खाना मिल गया पेड़ से, और पेड़ को चाहिए नाइट्रोजन, तो ये लोग नाइट्रोजन उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब बच्चों एक तरीका तो ये हो गया राइजोबियम बैक्टीरिया से, दूसरा तरीका नाइट्रोजन फिक्स करने का लाइटनिंग है। मतलब लाइटनिंग मतलब भाई कड़कड़ाहट, फड़ 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 फड़, जब बिजली कड़कती है तो भी बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये लोग इतना नाइट्रोजन बनाते हैं तो फिर तो नाइट्रोजन पूरे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, नाइट्रोजन अब पूरे इन्वायरमेंट में कॉन्स्टेंट ही रहती है। तो वो हम देखते हैं, चलो कैसे कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये पूरा का पूरा आपका वो हो गया, ठीक है। और इसमें देखो नोट्स, देखो ये देखो नोट्स आपको मैं दिखाता हूँ, अगर ये बड़ा हो जाए तो देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये नोट्स आपको दिख रहे होंगे, देखिए ये नोट्स आपको देखिए, ये देखिए, ये देखिए आपको ये नोट्स दिख रहे होंगे, एक मिनट कौन सा पेन ले लें, ये वाला, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको नोट्स दिख रहे होंगे बच्चों, ये नोट्स हैं। तो ये देखिए ये कैसे रूट्स में नोट्स बने हुए हैं, तो इन्हीं के अंदर छुपा हुआ है राइजोबियम बैक्टीरिया, और यही जो है ना हवा से जो है नाइट्रोजन लेता है, ठीक है, और बढ़िया नाइट्रोजन नाइट्रोजन का और प्लांट को नाइट्रोजन दे देता है। समझ में आ रहा है? तो रूट ऑफ लेग्नुमस प्लांट विद रूट नोड्यूल्स में छुपे होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं बच्चों, एग्जाम में पूछेगा नाइट्रोजन साइकिल, पक्का एग्जाम में पूछेगा कि नाइट्रोजन साइकिल पूरा समझाइए, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं आपको अच्छे समझाने वाला हूँ व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल। अब देखो बच्चों क्या होता है, हमारे पूरे इन्वायरमेंट में 78% क्या है? नाइट्रोजन है, तो आपको पता है एटमॉस्फेयर में। अब नाइट्रोजन जो होता है बच्चों हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे हम जो प्रोटीन, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है बच्चों वो भी नाइट्रोजन, उसके अंदर नाइट्रोजन है। क्लोरोफिल प्लांट के लिए क्लोरोफिल कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए भी नाइट्रोजन चाहिए होता है। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, विटामिन, सब में नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है बच्चों कि जो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है ये प्लांट और एनिमल डायरेक्ट नहीं ले सकते, मतलब आप सोचो कि आप नाक से नाइट्रोजन खींच लो, सुरख लो, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी एग्जाम्पल, ठीक है, ये सॉइल में होते हैं, प्रेजेंट इन द सॉइल। ये कहाँ बैक्टीरिया मिलते हैं? सॉइल में। ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, कहाँ से? एटमोसफियर से खींच के नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं और इसको बदल देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में। तो बेसिकली इन बैक्टीरिया ने क्या किया कि हवा से नाइट्रोजन लिया और उसको फिक्स कर दिया और उसको अलग अलग नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल दिया। समझ में आ गया? मतलब पहले एक नाइट्रोजन था, उसको इन बैक्टीरिया ने क्या किया, देखो इन बैक्टीरिया ने क्या किया, नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल दिया। नाइट्रोजन कंपाउंड ने बदल दिया, समझ में आ रहा है? तो जब नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट हो गया तो यूजेबल कंपाउंड, देखो डायरेक्ट नाइट्रोजन कोई ले नहीं सकता, लेकिन नाइट्रोजन के कंपाउंड ले सकते हैं, मतलब नाइट्रोजन के अलग फॉर्म को इंसान ले सकता है, फिर जानवर ले सकता है। तो ये जो है ना फिर प्लांट ने उसको इस्तेमाल कर लिया, उस नाइट्रोजन कंपाउंड को सॉइल से, ठीक है, और इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि नाइट्रोजन इज़ देन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन। मतलब अब जो नाइट्रोजन कंपाउंड जो प्लांट ने सुरखा है अंदर लिया है, उससे अब प्लांट के जो प्रोटीन होते हैं वो बनेंगे, ठीक है, और अदर कंपाउंड बनेंगे। और जब इन जानवर खाएगा इन प्लांट्स को, तो वो सब नाइट्रोजन कहाँ चला जाएगा? जानवर में चला जाएगा, प्रोटीन जानवर में चला जाएगा। और जब जानवर मर जाएगा तो फिर से बैक्टीरिया और फंगस जो है सॉइल में,
उसको क्या करेंगे, उस मरे हुए जानवर को नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है उसका, वो नाइट्रोजन कंपाउंड में फिर से कन्वर्ट कर देंगे। मतलब सोचो, हवा से नाइट्रोजन खींचा ये इस बैक्टीरिया ने और नाइट्रोजन कंपाउंड बना दिया। उस नाइट्रोजन कंपाउंड को ले लिया किसने, प्लांट ने ले लिया। फिर प्लांट ने अपना प्रोटीन बनाया नाइट्रोजन वाला, फिर प्लांट को खा लिया जानवर ने, फिर जानवर जब मरा तो फिर वही जो जो सॉइल में जो बैक्टीरिया और फंगस है वो फिर वो नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर से जो है इस्तेमाल हो जाता है प्लांट अगेन नाइट्रोजन कंपाउंड, समझ में आ रहा है। और तो इस तरीके से बच्चों जो है देखो, सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस, और कुछ बैक्टीरिया जो है उसको कुछ नाइट्रोजन गैस में ही बदल देते हैं, ठीक है, और फिर वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इस वजह से जो है जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में वो उतना का उतना ही रहता है, समझ में आ रहा है, रिमेंस मोर और लेस कॉन्स्टेंट, वैसा का वैसा ही रहता है। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम बच्चों देखो, इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, देखो यहाँ पे पूरी नाइट्रोजन है 78%, ठीक है। अब बात समझना, जैसे ये लाइटनिंग हो गया, जैसे बिजली कड़की, लाइटनिंग हुआ तो क्या हुआ कि जो सॉइल है वहाँ पे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बन गए, ठीक है, फिर नाइट्रोजन कंपाउंड बन गए तो फिर बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया ने क्या किया, नाइट्रोजन कंपाउंड बन गए। अब उसके बाद देखो क्या हुआ कि ये कंपाउंड जो है किसने ले लिया, प्लांट ने खा लिया, प्लांट ने ले लिया ये नाइट्रोजन कंपाउंड। अब प्लांट को किसने खा लिया, एनिमल ने खा लिया, फिर एनिमल मरा तो फिर ये सारा का सारा वापस चला गया ज़मीन में, और ज़मीन में जाने के बाद जब ये कंपाउंड जो है, ये कंपाउंड को जो है जो बैक्टीरिया और बैक्टीरिया जो जो ज़मीन में पड़े हुए हैं वो उसको फिर से नाइट्रोजन गैस बना के फिर से हवा में डाल देते हैं। देखो पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। अब देखो ये तो लाइटनिंग की प्रोसेस थी, ऐसे ही नाइट्रोजन जो फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को खींच लेते हैं, खींचने के बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो कंपाउंड बना देते हैं, फिर उसको क्या करता है, फिर बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजनस कंपाउंड बदल देता है नाइट्रोजन को, और फिर वो कंपाउंड सॉइल में पहुंच जाते हैं, फिर वो सॉइल क्या करता है कि प्लांट खाता है, और ऐसे करके पूरा पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मुझे ज़रूर बताएं। तो बच्चों ये देखिए कितना आसान चैप्टर था, लेकिन देखिए बच्चों चैप्टर बहुत लेंदी था लेकिन मैंने पूरा पढ़ाया, और आप इस वीडियो को बार बार देखना। तो हमने देखा कि एल्गी क्या होता है, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज, बैक्टीरिया, कैरियर, कम्युनिकेबल डिसीज़, ठीक है, फर्मेंटेशन, फंगी, लैक्टोबैसिलस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पॉस्चराइजेशन, पैथोजन प्रिजर्वेशन, प्रोटोजोआ, राइजोबियम, वैक्सीन, वायरस, ईस्ट, हमने इन सब के बारे में देखा है। और सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, किसी को मत छोड़ना। और ये पूरी की पूरी समरी इस चैप्टर की, अब मैं आपको ये समरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, आपको लगता है कि सर आप हमें क्वेश्चन भी करवा दें तो मैं वो करवा दूंगा, लेकिन आपको जो है उसके लिए कमेंट में बताना पड़ेगा कि सर हमें क्वेश्चन करवाएं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। और मैं बता दूँ ये NCERT बुक मैंने डाउनलोड की थी ऑनलाइन, और इस PDF का सारा कॉपीराइट NCERT के पास है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर था। तो बच्चों आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और चैप्टर था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने बहुत सारी चीज़ें जानकारी यहाँ पे ली। तो चलिए हम फिर इसके बाद थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे इस अगले वीडियो में, और आपको कोई भी दिक्कत कोई परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। चलो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू सो मच, चलो फिर मिलेंगे।